अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम धरती जा सितारा में बाखबरी ज़्यादा खोर सारा सलाम कबूल कंदा। अज असा जे सितारे जे घर मौजूद आयूं वा हिकड़ी तमाम खूबसूरत डांसर आहे, असांजी सिंध जो हिकड़ो वॾो नालो मैडम जे घर असां मौजूद आहियूं। हिकड़ी आर्टिस्ट आहे, एक्टर आहे, टीचर आहे, थिएटर परफॉर्मेंस उन जूं तमामु खूबसूरत रही चुकियूं आहिनि ऐं उन पंहिंजी ज़िंदगीअ में विमेंस औरतुनि जे लाइ तमामु हिकिड़ो पुख़्तो क़दम खयो आहे, जो हिकिड़ी एन जी ओ ठाती अथऊं तहरीक निसवान जे नाले सां। उन जी एन जी ओ आहे, उन जी को उनजी फाउंडर आहे। मैडम जे घर मौजूदु आहियूं, मैडम खे भली कार कयूं पिया। मैडम शीमा करमानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम आपको थैंक यू करेंगे, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम आपने लिया और आप आई हैं। आपका जो अपना एनवायरनमेंट है, मुझे तो यहाँ आके इतना सुकून, नेचर से आपको अपने आप को बहुत करीब इंसान फील करता है जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब फ़नी लतीफ़ा जो है, फ़नून लतीफ़ा जो है, आर्ट्स हैं, मौसीकी है, वो सब चीज़ें नेचर से बहुत ताल्लुक़ है। जी जी बिल्कुल। और जब हमारे को एनवायरनमेंट ऐसा मिले जो कि सुकून दे, हार्मनी जिसमें हो, खूबसूरती हो, तो इंसान अपने अंदर से भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और अब आप देखिए कि कितनी सारी बिल्कुल आवाज़ें हैं, परिंदे हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, तो ये मैंने सब कुछ खुद ही लगाया। जब मैं यहाँ आई थी एक पौधा नहीं था, एक दरख्त नहीं था, अच्छा एक फूल नहीं था। ये आपने खुद अपना एक एनवायरनमेंट खुद क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है। और फिर आप जब हम अंदर जाएंगे, आप स्टूडियो देखेंगे, जी जी जी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट आते हैं, यहाँ ही पे हम रिहर्सल्स भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। इसी बात जरूरी है कि माहौल ही ऐसा हो जो कि इंसान को इजाज़त दे अपने अंदर से तख्लीकी कुछ क्रिएटिविटी लेकर। आप खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट रह चुकी हैं हमारी डांस के हवाले से और ओवरऑल भी अगर आप देखा जाए तो, ये आपका जो अपना शोभा है एज अ डांसर, क्लासिकल आपके बहुत भरतनाट्यम में आपने बहुत क्या है इसमें आपकी जो एक पावर है, तो ये हमारी सोसाइटी में आपको मुश्किलात पेश नहीं आई एज अ डांसर, एक फीमेल है, डांसर है? मैंने काफ़ी शुरू से क्लासिकल जो कहते हैं ना, क्लासिकल डांस सीखना शुरू किया था। और मेरा ख्याल में उस वक्त मेरी उम्र कोई 13-14 साल की थी। अच्छा। हाँ, और साथ साथ मौसीकी का भी सीखना शुरू किया था, क्लासिकल मौसीकी। तो हमारे घर वालों का यह ख्याल था कि ये सारे आर्ट्स हैं ना, ये बच्चों को बेहतर इंसान बना। बिल्कुल बिल्कुल। और उस ज़माने में तो स्कूलों में भी होता था, कॉलेजेस में भी होता था। मेरी जो अपने गुरु हैं घनश्याम साहब, वो उनकी वाइफ थी मिसेस घनश्याम, वो कॉलेज में भी जाके सिखाया करती थी। तो एक उस ज़माने एक माहौल था कि ये सारे फ़नून, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, उस तालीम का हिस्सा है। बिल्कुल। और इस किस्म की तालीम जो है वो बच्चों का दिमाग वसी करती है, वसी करती है, वो जो तस्वुरात हैं उसकी दुनिया खोलती है, दिमाग की सोचने की दुनिया खोलती है। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा था। अब आप देखिए ना कि अब कितना मुश्किल हो गया है कि इन आर्ट्स को कोई रोक नहीं दे रहा। तो और फिर क्या हुआ हमारे माशरे में, क्या हालात? बिल्कुल। हाँ, तशद्दुद है, औरतों के ऊपर तशद्दुद है, हर किस्म का क्राइम है, हर किस्म का करप्शन है। तो जब लोग मौसीकी में आते हैं, रक्स में आते हैं, थिएटर में आते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जो सुकून हो, खूबसूरती और अंदर भी। बिल्कुल। तो वो मतलब एक और लेवल पे, लेवल एक बहुत इंसान। तो जो मुश्किल आप कह रही हैं, मुश्किल तो होती हैं और मुश्किल हुई, मगर क्योंकि मुझे हमेशा यकीन था इस बात पर कि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत ही एक उमदा चीज़ है। बिल्कुल। बहुत ही एक नायाब, नायाब एक इंसान। मगर ये कि जैसे लोगों की नज़र में बुराई है, मेरी नज़र में ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही एक तरीका है कुदरत से करीब आने का। वाह, ये बहुत ही अच्छा आपने डिस्क्राइब कर लिया है इस चीज़ को। इसमें से कैसा बुरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी। तो आप देखिए हमारी इतनी सारी स्थिति थी, खासतौर से यहाँ
धरती के पर चाय लती बहुत शर्मा में बुले शाह मधुलाल सर ये सब है रक्स किया करते अभी भी हमारे शाह सखी शाह शहबाज कलंदर पे जो है वहाँ पर हमारे आप जाएँ तो रक्स होते हैं धमाल हो जाती है। तो ये चीज़ें तो हमारे रवाज का हिस्सा हमारी तारीख का हिस्सा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा मैं तो ये बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है मतलब हर पल हर चीज़ रक्स में है रक्स में है ना। तो ये तो बहुत एक आर्टिस्ट आपने बड़ी शायराना बात कर ली कि हर चीज़ हर वक्त रक्स में है सही कह रही हैं आप बिल्कुल कुदरत का जो निज़ाम है अगर देखा जाए तो वो अपने अपने तरीके से हर कोई अपना अपने अपने रक्स में मसरूफ़ है और उसी में मशगूल है। अच्छा मैडम आपकी अपनी पर्सनल लाइफ उसके बारे में हमें ज़रा बताएँ कि आपकी शादी किस उम्र में हुई। मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि लोगों से पब्लिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है सो आई प्रिफर कि पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा जाए। चलें ठीक है विद ड्यू रिस्पेक्ट थैंक यू थैंक यू। अच्छा आपका जो अपनी यहाँ पे आप क्लास वगैरह भी यहीं पे देती हैं अपने स्टूडेंट्स को आप देती हैं अपना यहाँ पे सिखाती हैं। मेरी स्टूडियो है अभी अंत वहाँ जाएंगे मेरा स्टूडियो है जहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं। क्लासेस 6 साल की उम्र के बच्चों से शुरू होती हैं और फिर जितनी भी उम्र होती जाए थिएटर भी सिखाते हैं डांस भी होती है मौसीकी की क्लास भी होती है। अच्छा। जी तो रोज़ाना डिफरेंट क्लासेस होती हैं और बस आजकल आपको पता है कोविड की वजह से बहुत मुश्किल हुई भी है पिछले 1-1.5 साल से बीच में तो क्लास भी बंद करनी पड़ी थी मगर अब जा कर के थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। मैडम आपने जो है एक तहरीक निस्वान एनजीओ का ख्याल कैसे आया और ये कौन सी सिचुएशन थी जो आपको फ़ील हुआ कि इस तरह का कोई काम करना चाहिए। हाँ ये देखिए मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की मैं एक आर्ट्स कॉलेज में गई थी बाहर पढ़ने के लिए फाइन आर्ट्स और फिर जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे तो रहना चाहती थी पाकिस्तान में मैं बाहर नहीं रहना चाहती और मैंने सोचा अगर यहाँ रहना है तो अब सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि किस किस्म का माहौल है और इस माहौल में क्या मसाइल हैं। तो मुझे लगा कि सबसे दबा हुआ तबका औरतों का है और वो औरतें जो मज़दूरी करके कमाती हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो हैं। तो मैंने वहाँ से काम अपना शुरू किया कि मज़दूर औरतें उस ज़माने में ये मैं बात कर रही हूँ 1978-79 की तब मैंने काम शुरू किया था एक तरह से एक सियासी सामाजिक काम एक तरह से समझिए कि जो ये जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी उस ज़माने में बहुत फैक्ट्रियों में काम करती थी अब तो ख़त्म हो गया ना अब तो घरों पे करती हैं या छोटा कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है उस ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में टेक्सटाइल मिल्स थी वगैरह वहाँ पे औरतें काम करती थी। तो मैं वहाँ पे मैं जब गई हूँ तो मैंने देखा कि ये जो औरतें वहाँ काम कर रही हैं उनका कोई लेना देना नहीं था वहाँ की ट्रेड यूनियन से तो उनके जो मसले थे वो कभी हल नहीं हो पाते थे उनकी तनख्वाहें कम थीं उनके लिए वॉशरूम्स टॉयलेट्स नहीं होते थे कोई फैसिलिटी नहीं थी मटर्निटी लीव नहीं थी इस तरह से बल्कि उनकी कोई गिनती ही नहीं थी लेबर फोर्स में। तो मैंने वहाँ से काम शुरू किया कि ये लोग भी अपने ट्रेड यूनियंस ज्वाइन करें और उनके जो डिमांड्स हैं वो रखें तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से शुरू किया। फिर हमने उन्हीं औरतों की लेके मैंने एक आध कहानियाँ क्योंकि ज़ाहिर बैठ के बात करते थे तो हर औरत अपनी कहानी बताती है तो कहानियाँ लेके मैंने एक नाटक बनाया और ये है 78-79 की बात 1979 की बात। तो उस समय एक नाटक सा बनाया एक औरत की कहानी दूसरी औरत की कहानी और उनको जोड़ के ये कहानियों को जोड़ के और फिर ये 1980 में करीमाबाद में वो औरतों का मीना बाज़ार खुला था तभी खुला था पहली दफ़ा कराची में एक ऐसा मीना बाज़ार शॉपिंग प्लाजा एक तरह से समझे खुला था जो सिर्फ औरतों के लिए था। तो वहाँ पे हमने जाके ये नाटक किया और वो औरतें ख़रीदारी करने आई हुई थी लोग मिडिल क्लास की औरतें थीं फेडरल भी एरिया की मैं बात कर रही हूँ और बच्चे भी गोदों में तो उन्होंने बैठ के नाटक देखा और जब उन्होंने देखा और हमने मुझे ये महसूस हुआ
कि हम जो इतने सालों से बात कर रहे हैं औरतों के हकूक़ के, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हकूक़ होते हैं, सेमिनार में आओ, कॉन्फ्रेंस में, नाटक से जो असर हुआ ना, तो वो हर औरत यूँ खामोश चुप होके देख रही थी। कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, सबको लगा ये तो हमारी कहानी है। अरे उसमें गाना भी है, उसमें थोड़ा सा डांस भी है, उसमें डायलॉग भी है, कहानियाँ बताई जा रही हैं। तो उधर से मेरी समझ में आया कि कितना गज़ब का मीडियम है परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये कैसे लोगों के दिल और दिमाग से यूँ जुड़ जाता है। क्योंकि आपको आपकी दिल को भी लगती है ना, और जब आपको दिल के लगती है तो आप दिमाग से सोचते हैं, और मकसद ही सारे इन आर्ट्स का ये कि सोचे। तो फिर वहाँ से मेरा ये शुरू हो गया कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए मैं अपना अपने मैसेजेस दिया करूँगी, हुकूक़ के मैसेजेस। हाँ, चाहे वो औरतों के हुकूक़ हों, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स हों, चाहे वो बच्चों के पर, हाँ, जेंडर इश्यूज हों, अमन के बारे में हों। वेलकम बैक नाजरीन, जो तुम दिखो ब्रेक का अग में अस मैडम जी लॉन में वेठासी, हिंसर इन लॉन्च में अची वह तमाम खूबसूरत। मैडम पैं इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तमाम खूबसूरत पैंने घर के डेकोरेट किया अथई, फुल ऑफ आर्ट पीसिस। मैडम आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप, आपने कहा था फाइन आर्ट्स पढ़ी हुई हैं, तो आप पेंटिंग्स भी करती हैं। तो अब पेंटिंग्स भी करती हैं, रक्स भी करती हैं आप, वो मौसीकी से भी आपका काफ़ी रुझान है, तो जो रूह को गज़ाइत देने वाली सारी खूबियात है वो आप में है। तो आप मोस्ट सबसे ज़्यादा अपने आप को जब सुकून में फील करती हैं तो फिर क्या करती हैं? मेरे ख्याल से ये असल में मैं मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सारे आर्ट्स एकदम रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। कि चाहे वो पेंटिंग हो या चाहे डांस हो, तो मेरा अप्रोच ये है। मैं इसको इस तरह से शायद कह सकती हूँ कि मुझे क्या चीज़ में अपनी सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है या सबसे ज़्यादा खुशी शायद मिलती है, मेरे ख़्याल में रक्स करने में, रक्स करने में। हाँ, जब रक्स करती हूँ तो इंसान एक और सतह पे पहुंच जाता है ना, मतलब एक वज्द की, एक वज्द की कैफियत आ जाती है, और फिर ये दुनियावी अपनी परेशानियाँ, ये गम, ये सारे धीमे पड़ जाते हैं। हालांकि आप ये भी देखें कि एक्टिंग में भी ये होता है कि क्योंकि आप कोई और किरदार बन गए हैं तो आप अपने से बाहर निकल जाते हैं या अपने अंदर की कुछ चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रिलेटेड हैं और सभी करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और इससे क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं जानती हूँ कि इंसान जितना हसास और जितना इमोशनल और जितना चीज़ों को नज़दीकी से आर्टिस्ट समझ सकता है उसकी एक ऑब्जर्वेशन लेवल कुछ और होती है। आपने तहरीक निस्वान में औरतों के ह्यूमन विमेन राइट्स के हवाले से भी काम किया, जेंडर इक्वलिटी पे आपने जो भी सोसाइटी में आपने अभी मेंशन की है कि जो चीज़ें, जो अनफेयर सिचुएशंस हैं वो नागवार गुजरती हैं आर्टिस्ट लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, हसास नेचर के बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी का यादगार हो, अभी तक ना भूली हो, कोई भी जो आप हमसे शेयर करें, विमेन किसी औरत का कोई इस तरह का वाकया हो या कभी आपके साथ कुछ पेश हुआ हो? देखिए, जो चीज़ मुझे मतलब अपने परफॉर्मेंस से रिलेटेड शायद चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर कर सकती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा जो तहरीक-ए- निस्वां का काम है वो है कि ये जो हम जिसे थिएटर कहते हैं, हम अपने अगर ट्रेडिशनली देखें तो हम इसे नाटक कहते हैं। ये नाटक हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके करते हैं, मतलब बस्तियों में करते हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी आबादियों में करते हैं, उन लोगों के लिए करते हैं जो आम तौर से नाटक देखने शहर नहीं आते, देखने का मौका नहीं मिलता ना उनके पास,
फैसिलिटी है ना ट्रांसपोर्ट है। आप आए तो नाटा खुद चल के आपके पास। तो हाँ बिल्कुल, हम चल के वहाँ जा रहे हैं बिल्कुल। और डांस भी, मतलब ये कि मैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने सिंध के छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे देहातों में जा कर के किया है। तो वहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट होता है ना लोगों पे, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम याददाश्तें हैं उसमें मेरी। कि एक दफ़ा हम एक गांव में कर रहे थे, मैंने एक मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने सिंध के 100 छोटे छोटे देहातों और गांवों में 100 परफॉर्मेंसेस किए। हाँ, कोई 3 महीने के पीरियड में कोई 100 गांवों में किए हमने, 3 या 4 महीने के पीरियड में। और ये परफॉर्मेंस था इस पे ऑनर किलिंग पे। मगर जो मैं आपको याद की बात बता रही थी, जिसका बहुत मुझ पर असर हुआ, कि एक हमने एक इसी तरह से एक नाटक कर रहे थे और बहुत सारे वहाँ पे जो लोग थे ना, बहुत बिल्कुल देहात के थे, तो हम तो उर्दू में करते हैं, तो मुझे ये था कि पता नहीं हर लफ्ज़ तो नहीं, शायद ज़ाहिर है उर्दू तो सब तकरीबन सबको समझ में आती है, मगर छोटे छोटे गांवों में औरतों को नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो आदत नहीं है। मर्द तो फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि वो टीवी बैठ करके, हाँ, और मर्द तो टीवी बैठ के देख रहे होते हैं छोटी छोटी जगह ढाबों पर, औरतों को इतना। तो एक बूढ़ी औरत उठी देखने के बाद, और उसने सिंधी में ही बात की, वो उर्दू में नहीं बात कर पाती थी, मगर उसने कहा कि ये जो स्टे हमने देखा, मतलब मैंने, किसी ने मुझे ट्रांसलेट करके बताया कि उसने क्या कहा था, कि ये जो हमने देखा है इसमें, ये जो किरदार है लड़की का, मैंने देखा कि ये अपनी जंजीरें तोड़ सकती है, सोच रही हूँ मेरी बेटी क्यों नहीं तोड़ सकती। वो उस औरत ने कहा, आंखों में आंसू थे उसके और रोते हुए उसने कहा, मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी क्यों नहीं अपनी जंजीरें तोड़ सकती है, इतनी तक उस पर शायद तशद्दुद होता होगा उस लड़की के ऊपर। और वो औरत रोई हिचकियाँ ले ले करके ना, और उसने कहा कि ये तोड़ सकती है तो मेरी बेटी भी तोड़। हाँ, उसने कहा मैं अपनी बेटी को जा कर के कहूँगी, यही असल, मैं अपनी बेटी को जाग, हाँ, यही। और ये चीज़ें बहुत अहम हैं, और इन चीज़ों से हमें ज़िंदगी मिलती है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें उम्मीद मिलती है आगे बढ़ने की। क्या, क्योंकि कब देखिए ना, कभी कभी लोग मुझसे कहे, अच्छा तो तुम तो 40 साल से कर रही हो, तो क्या बड़ा काम कर लिया, हाँ, क्या तीर मार लिया, क्या फ़र्क हुआ, अभी भी उतना ही तशद्दुद है, यकीनन है। और शहरों में तो मैडम, आपकी बात काट के मैं बता रही हूँ, लेकिन माजरत के साथ, लेकिन शहरों में तो बातें सब लोग कर लेते हैं, असल इम्पेक्ट वही पड़ता है जहाँ ये, जैसे आप कह रही हैं ऑनर किलिंग हुआ, ऑनर किलिंग शहरों में और हाई सोसाइटी में फिर भी कम, ये वाकयात होते ही देहात में है। तो आप वहाँ जाएं, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके अगर आप इस तरह की कुछ अवेयरनेस दे रही हैं, तो असल हसासा तो मैं समझती हूँ यही है। तो यही है कि अगर वहाँ पे एक औरत को भी ये बात समझ में आई कि ये मुमकिन है, तो ये मेरे लिए और हमारी तहरीक के लिए ये बहुत अहम चीज़ होती है, कि ये मुमकिन है कि औरत समझे कि हाँ, मैं अपने लिए मैं ख़ुद को आज़ाद कर सकती हूँ, मैं ख़ुद को आज़ाद कर सकती हूँ। तो ये मकसद होता है करने का, और ये तो ये चीज़ें मुझे याद रहती हैं, और मुझे लगता है कि ये इस तरह से उम्मीद बंधती है कि हम आगे करते रहें। और देखिए, हर चीज़ तब्दील जब होती, छोटे छोटे एक्शन से ही तब्दील होती है, कतरा कतरा बनता है। आपकी जो ये अपनी है एनजीओ, आपका अपना तो है, लेकिन इसमें आपकी अपनी काविशों, अपने इनपुट के अलावा, आपको कोई गवर्नमेंट लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल की कोई सपोर्ट कोई मिलती है, या फिर अगर नहीं मिलती तो फिर आप क्या इसमें राय है कि आपको, क्योंकि सपोर्ट मैं समझती हूँ कि आपका एक ये कारकर्दगी है जो बड़े लेवल पे सपोर्ट करनी चाहिए, आपको फैसिलिटेट करना चाहिए हमारी इदारों को। थैंक यू कि आपने ये बात कही, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये एहसास हुआ कि ये होना चाहिए, मगर आज तक मुझे कोई सपोर्ट किसी भी गवर्नमेंट से कभी नहीं मिली।
और मुझे लगता है कि उम्मीद भी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि देखिए ये जो यस दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, इवन एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली है या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है इस मुल्क में, जबकि मैं समझती हूँ कि मैं ही अखलौती एक आर्टिस्ट हूँ जो कि उस ज़माने से परफॉर्म कर रही है जब इस पे बैन आया था और कोई भी नहीं था, आप ही हैं जो सबसे बड़ा नाम है, और 1980s में पाकिस्तान में कोई और नहीं था आर्टिस्ट डांसर जो कि कंटिन्यू करता रहा, पर सब छोड़ के चले गए थे, मुल्क छोड़ के चले गए थे। एंड आई वाज मैं सिर्फ अकेली थी यहाँ पे और मैं करती रही और मैं सिखाती रही, और आज आप देखें कि मेरे सीखे हुए इतने सारे डांसर्स हैं, आपने नाम लिया सुहाई का, और बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के जितने भी यहाँ पे हैं वो सब मेरे ही हाथ से सीख के गए हैं, मेरे यहाँ से सीख के गए हैं। तो ये होता है अक्सर आपके एक अफसोस के साथ ही कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में इंसान के चले जाने के बाद उसकी ज़्यादा कदर होती, तो मेरे हमारा वही होता है हमेशा कि जब आपके इतने आपके पास आपके लेजेंड्स हैं, हमारा शो धरती का सितारा, तो मैं हमारे सितारे हमारे पास इतने कि धरती के वाकई में ये चमकदार सितारे हैं और आप उनमें से एक हैं जिनकी कदर हमें करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, हमारे चैनल्स को करनी चाहिए, इदारों को, इंस्टीट्यूट्स को करनी चाहिए। और ये देखिए अफसोस की बात है, बाहर जाते हैं बाहर की जाती है कदर, बिल्कुल यहाँ तो नहीं होती, अब यहाँ पे नहीं होती वाकई में, ये भी एक अनफॉर्चुनेट है जो हम बदकिस्मत। और नहीं यहाँ पे मतलब एक पूरा नज़रिया इस तरह का बना हुआ है, आर्टिस्ट को किस नज़र से देखते हैं लोग, और फीमेल आर्टिस्ट को और भी, और वो आर्टिस्ट जो कि डांस भी करती है तो और भी, मतलब तो हम बिल्कुल नीचे गिर गए, सारे खतरे वाले जो है ना वो फील्ड अपने लिए किए। मगर मैं ज़रूर ये बात शेयर करूँगी कि मैंने जब ड्रग्स शुरू किया था तो मतलब ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सिखा, इजाज़त दी थी सीखने की, वही उन्होंने ही मुझे कहा कि अगर तुम म्यूज़िक सीखना चाहो म्यूज़िक सीखो, डांस सीखना, पेंटिंग सीखना चाहो, जो भी करना चाहो तुम लोग करो और ढूंढ लो अपने लिए रास्ते के क्या करना है। मगर उन लोगों को ज़ाहिर है ना मेरे वालदैन को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि मैं इसको इतना अपनाऊंगी और इसी को लेकर के आगे बढ़ूंगी और ये कि इसको मैं अपना करियर बनाऊंगी, अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, तो ये तस्वर में भी नहीं था। आपको पता है कि पढ़े लिखे घरानों में तो ये चीज़ सोची भी नहीं जाती हैं कि मतलब ये इस हद तक होता है कि चलो हॉबी है सीख ले, मगर उसको आप एज अ प्रोफेशन और एज अ करियर या वोकेशन ले कर के आगे बढ़ें, तो मैं समझती हूँ लोग सोचते भी नहीं इन चीज़ों पे। मगर तो कुछ वक्त था जब मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते थे क्योंकि मैंने वो ज़माना वो भी था जब बहुत पाबंदियाँ थीं इन आर्ट्स के पर, ज़ियाउलहक का जब ज़माना था तो थ्रेट्स भी आती थी, ज़िंदगी की थ्रेट्स आती थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे ना इस तरह से, तो वो लोग भी मेरे लिए परेशान होते थे। और बहादुरी मैं समझती हूँ आप में, मगर जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रही थी वो ये कि जब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुमने इस मुल्क में रक्स को एक ऐसा आर्ट फॉर्म तक, इतनी रिस्पेक्ट के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया है कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूं। एक अपना लेवल है, आपने अपना मकाम कायम किया है और अपने बलबूते पे आपने सोसाइटी को ये साबित करके दिखाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बहादुरी की बात है। और बिल्कुल आपके वालदेन, आपके सारे जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, बहुत ज़रूर आपका, मैं खुद आपका बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि सिंध में पहली दफ़ा मोहनजोदड़ो के पर रिसर्च करके प्रोडक्शन बनाया मैंने, एक पूरा 2 घंटे का बैले जिसका उनवान है द सॉन्ग ऑफ मोहनजोदड़ो, वो आप शायद ढूंढ सकती हैं उस पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर तहरीक निस्फा का अपना एक यूट्यूब चैनल है उस पर आप ढूंढ, तो उसमें मैंने पूरा रिसर्च किया। नाजरीन मैडम शीमा करवानी खां वरी बेहतर गुफ्तगु जारी रहंदी, मैडम जो रक्स भी ॾिसंदा सी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ। जब इंडोनेशिया में परफॉर्म करने गई थी, अच्छा, तो वहाँ पे खरीदी थी, कुछ मिली हैं, अच्छा, कुछ मास्क हैं जो मुख्तलिफ जगहों के जी, हैं जी। कुछ हमारी मेरे पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स वगैरह, पोस्टर्स हैं,
इस तरह से बहुत ही जब कहीं जाता है तो कलेक्ट इकट्ठा करता है। और ये जो आपकी ये तस्वीरें हैं ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये कब की ली गई है, कोई परफॉर्मेंस के दौरान मेरे ख्याल से लग रहा है? हाँ, कुछ परफॉर्मेंस के दौरान, ज्यादातर परफॉर्मेंस के दौरान की होती है। वो जो पोस्टर है मैं जिक्र कर रही थी, सॉन्ग ऑफ मुंजडरो का, तो उसमें आप देखें कि जिस पोस्टर में वो फिगरीन है ना, वही पोस्टर संबारा का तो वही देखिए ना, उसी वही पोस्टर हमारे डांस में आता है। सही। और ये तस्वीर तो मैंने ऐसी समंदर पे ये परफॉर्मेंस की है। और ये सारे पोस्टर्स जो हैं ये हमारे नाटक के, हमारे थिएटर के पोस्टर्स हैं, मुख्तलिफ मंटो मेरा दोस्त, गांव में रोशनी, ये सारे परफॉर्मेंसेस हैं उधर। ये सारे जो है वो परफॉर्मेंसेस थी जो आपने की थी टाइटल्स के साथ? हाँ, ये हमारे जब कोई परफॉर्मेंस बनता है तो उसका पोस्टर बनता है ना। जी जी बिल्कुल, ये सारे पोस्टर्स, ये सारे पोस्टर्स। और ये पेंटिंग, ये पेंटिंग सोहाई के अब्बा ने की हुई है। अच्छा, खुदाबाई। हाँ, खुदाबाई का प्रसार बनाया क्योंकि उनकी बेटी जी जी 6 साल की उम्र से मेरे यहाँ जी थी, तो जी जी वो आपके। अच्छा, ये सारे पोस्टर्स हमारे परफॉर्मेंसेस के हैं। और ये मास्क तो आप देखिए ना, डांस में भी इस्तेमाल होते हैं, कॉस्ट्यूम्स और वो चीज़ें, प्रॉप्स वगैरह, ये तो उसमें होते थे। किताबें और मौसीकी और फिल्म, ये सब मैंने इकट्ठी किए हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें देखें। एक तरह की आर्काइव भी है, जी ब्रोशर्स हैं। आप ये बुक्स वगैरह मैं बहुत देख रही हूँ यहाँ पे आपके पास। खुद आप शायरी और शेर व शायरी में खुद हैं आप, करती हैं? सर, डांस और थिएटर इसके बगैर तो हो नहीं सकता। नहीं, मैं खुद शेर शायरी नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती है आप? मैं पढ़ती हूँ। और कौन है आपके फेवरेट, कौन है शायर? देखिए, पिछले दिनों में तो मैंने बहुत काम किया है। हमारी अपनी पाकिस्तान की जो शायरा थी जिनका इंतकाल हो गया, फहमीदा रियाज की शायरी पे मैंने बहुत काम किया। मैंने परफॉर्मेंसेस बनाए, मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, म्यूजिक वीडियोज़ बनाए हैं उनकी शायरी पे, बहुत कुछ किया है। अच्छा, और हमारे जो है आप परफॉर्मेंस करती हैं तो आप देखती हैं हमारे यंगस्टर्स में वो जोश, वो चीज़ है जो आप अपने आपकी जवानी में आप महसूस करती थी? हाँ, बिल्कुल है। ठीक, मसला ये कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं होते हैं। जी जी बिल्कुल। आम तौर से कोई इनक्रेजमेंट कहीं से नहीं मिलती है, कोई मौके बहुत कम हैं। देखिए, अब कितने लोगों ने क्लासिकल डांस देखा हुआ है। सही कह रही हैं आप, अवेयरनेस नहीं है हैं। बिल्कुल। इतना पाकिस्तान में इतने चैनल्स खुल गए, एक चैनल को इतनी तकलीफ नहीं होती कि वो क्लासिकल मौसीकी पे प्रोग्राम करे। एक चैनल क्लासिकल डांस का प्रोग्राम नहीं करता है, एक चैनल क्लासिकल थिएटर नहीं दिखाता। क्या है? बिल्कुल सही। एक जमाना था जब मैं भी टेलीविजन में काम करती थी, अब जो स्क्रिप्ट आती है इतनी वाहियात स्क्रिप्ट होती है, मयार नहीं है काम का, उतना कोई पोटेंशियल नहीं है, सोच नहीं है वाकई में। सही कह रही हैं आप। हाँ यार, मैडम जे स्टूडियो में मौजूद आई हूँ। मैडम जो थोड़ो रक्स दिसनासी जाहिर है, ये थी न तो सके तो असा मैडम जे घर में आई हूँ। मैडम असा के रक्स न दिखाई। आज मीठी सी उठा कैसा लहूड़ी ज़ुबान, आज मीठी सी उठा कैसा लहूड़ी ज़ुबान, नाजरीन मैडम जे रक्स में पेंजो मज़ो असां त पाण पेंजे पाण के महसूस पे कियो त रक्स में असां भी शामिल आहियूं ऐं असां भी उन शइ के फील पिया कयूं। मैडम जी हिकिड़ा एक्सप्रेशंस जेके डांस जा एक्सप्रेशंस हूंदा आहिनि, मूवमेंट्स तव्हां ॾिठियूं, तमामु मज़ो आयो। मां त पर्सनली तमामु घणो इंजॉय कयो। मैडम थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और हमें और हमारे नाज़रीन को तो बहुत कुछ सीखने को मिला और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, आपकी डांस और मूवमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच। नाज़रीन वेरी
ईंदड़ हफ्ते बे सितारे से गुज हाजिर थी तवजी होस्ट बाख पीरजादा के दीद इजाज़त अल्लाह भाई।